नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। महाराष्ट्र में शिवसेना के ऊपर मंडरा रही सियासी संकट के बीच अब बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने का फॉर्मूला तय कर लिया है। जी हां, महाराष्ट्र में सरकार का फॉर्मूला तय हो चुका है। बीजेपी शिंदे सहित सभी दलों का कैबिनेट में प्रतिनिधित्व होगा। वहीं 6 विधायकों पर एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री दिया जाएगा। जी हां, यहां पर बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे कैंप को 6 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। जी हां, यहां पर शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे के साथ जितने भी विधायक जुड़े हुए हैं, यहां पर बागी तेवर अपनाकर गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, उन्हें जो है 6 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं शुरुआत में 4 मंत्री पद रिक्त रखे जाएंगे। डिप्टी सीएम के साथ भारी भरकम मंत्रालय दिए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है एकनाथ शिंदे के साथ साथ बागी विधायकों को जो है बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा मंत्रालय जो है पेश कर सकती है। जबकि बीजेपी के 18 कैबिनेट मंत्री होंगे और यहां पर तकरीबन 10 राज्य मंत्री बीजेपी की तरफ से बनाए जाएंगे। तो यहां पर कहीं देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को जो है अब बीजेपी ने बड़ी सौगात दे दी है और यहां पर कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी की तरफ से अब यहां पर डिप्टी सीएम की उपाधि दी जा सकती है। जी हां, एकनाथ शिंदे को अब बीजेपी जो है अपनी तरफ से डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का बना सकती है। और यहां पर देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और सरकार का फॉर्मूला भी तय हो चुका है, जिसमें शिवसेना के एकनाथ शिंदे कैंप को बड़ी जिम्मेदारी और भारी भरकम मंत्रालय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना पूरी कोशिश कर रही है, उद्धव सरकार पूरी कोशिश कर रही है अपनी सत्ता को बचाने के लिए, लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने हार मान ली है। आज आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने दोपहर 2:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग रखी है और इस मीटिंग के बाद कई सारे अहम फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के बागी तेवर के बाद महाराष्ट्र में जो सियासी चाल आया है, उसके बाद अब बीजेपी की जल्द ही महाराष्ट्र में एंट्री होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।